आज हम ये फाइनल तृतीय वर्ष के अंतर्गत पुनर्जागरण के अंतर्गत राजा राम मोहन राय का अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले जीवन परिचय, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में हुगली जिले में स्थित राधानगर गांव में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले में स्थित राधानगर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म 1774 भी मानते हैं। इनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम, इनके पिता का नाम रमाकांत और माता का नाम तरनी देवी था। क्या था? माता का नाम तरनी देवी था। वह एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज परदादा कृष्णचंद्र बनर्जी, उनके परदादा कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब की सेना में उच्च अधिकारी थे। बंगाल की सेना में उच्च अधिकारी थे। क्या थे? उच्च अधिकारी थे। अब उच्च अधिकारी होने की वजह से उसे राय की उपाधि दी थी। और राय की उपाधि थी उस समय उसके परिवार का नाम बनर्जी की अपेक्षा राय सबसे दूर गया और इसलिए वो राय शब्द का इस्तेमाल करने लग गए थे। शिक्षा अब आती है राजा राम मोहन राय की शिक्षा। राजा राम मोहन राय प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की थी। तत्पश्चात उसने कई वर्ष पटना तथा वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यतीत किए। पटना
और वाराणसी में, एक पटना में और वाराणसी प्रारंभ शिक्षा ग्रहण प्राप्ति। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पटना में उन्होंने कुरान और फारसी तथा अरबी साहित्य का और वाराणसी संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन का अध्ययन किया। यानी कि पटना में उन्होंने कुरान फारसी और अरबी, कुरान फारसी अरबी, यहाँ पर उन्होंने संस्कृत और हिंदू, संस्कृत और हिंदू दर्शन का अध्ययन किया। इस प्रकार उन्होंने बंगला, अरबी, फारसी, संस्कृत का खूब अध्ययन किया। यानी कि बंगला, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का अध्ययन किया। माता पिता में मतभेद, जब बनारस शिक्षा प्राप्त करके राजा राम मोहन राय गांव से वापस आए तो उनके माता पिता से मतभेद उत्पन्न हो गया। इसका कारण यह था कि राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म प्रति अन्य झूठे रीति रिवाजों का खंडन किया। यानी कि जब वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वापस अपने माता पिता के पास आया तब उनके माता पिता ने उनको पाखंडी, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा की ओर प्रतिष्ठित करने की कोशिश की थी तो उन्होंने मतभेद उत्पन्न हो गया और उन्होंने इनका विरोध किया, जिससे उनके माता पिता सह नहीं कर सके। उनमें राजा राम मोहन राय को अपने घर को छोड़ना पड़ा और वो कई वर्ष स्थान स्थान पर घूमते रहे और इन वर्षों में उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीख ली। यानी कि बाद में क्या उनकी भाषा सीखी, अंग्रेजी में जब इधर को घूमते रहे तब उन्होंने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन कर लिया। इसके बाद में रंगपुर में नौकरी कर ली, रंगपुर में नौकरी। अठारह सौ इक्कीस में राजा राम मोहन राय रंगपुर में, 1821 में राजा राम मोहन राय ने रंगपुर में अंग्रेज कलेक्टर के अधीन, अंग्रेज कलेक्टर के अधीन क्लर्क की नौकरी स्वीकार कर ली। किसकी नौकरी स्वीकार कर ली? क्लर्क की नौकरी अंग्रेज कलेक्टर के अधीन, अंग्रेज कलेक्टर के अधीन उन्होंने क्लर्क की नौकरी स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात उन्हें दीवान के पद पर सौंप दिया गया। इसके बाद उसे दीवान के उच्च पद पर दीवान के पद पर सौंप दिया गया था। दीवान के पद पर पहुंचे गए थे। उन्होंने लगभग 10 वर्ष तक नौकरी की। इस काल में वे अपने कुछ समय धार्मिक वाद विवाद में व्यतीत करते रहे। राजा राम मोहन राय की भाभी के सती हो गए। राजा राम मोहन राय की भाभी का सती हो गई। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन
राजा अमोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को सती होने के लिए विवश किया गया। राजा राममोहन राय ने अपनी भाभी को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उसकी एक न चली। यह घटना राजा राममोहन राय का हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने यह सौगंध खाई कि जब तक सती प्रथा को समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और उन्होंने इसके बाद में राजा राममोहन राय सती प्रथा के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसके बाद में कलकत्ता में निवास में राजा राममोहन राय कलकत्ता में निवास कर दिया। कब कर दिया था? 1814 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में अपना निवास स्थान कर लिया। यहाँ उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी तथा प्रकाशित की। इन पुस्तकों में उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से अंग्रेजी, बंगला, उर्दू भाषाओं में प्रस्तुत किया था। यानी जो बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी वहाँ से उन्होंने अंग्रेजी में, बंगला में, उर्दू में आदि भाषाओं का उन्होंने प्रकाशन शुरू कर दिया। उन्होंने ईसाई धर्म का भी अध्ययन किया। इस धर्म की वास्तविक सिद्धांतों का कई उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्णन किया। उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया। उन्होंने किसके प्रति प्रचार किया? तो सती प्रथा के अपना प्रचार प्रारंभ कर दिया। और मूर्ति पूजा, जाति की कट्टरता तथा व्यर्थ धार्मिक रीति रिवाजों का खंडन किया। सुधारक एवं विद्वान के रूप में उन्होंने शीघ्र ही प्रसिद्ध समस्त भारत में तथा इंग्लैंड में फैल गई। कलकत्ता में राममोहन विल्सन, विलियम जोन्स, कोलब्रुक, हाइडस्टेड, मेकाले, एडम्स आदि उच्च कोटि के अंग्रेज विद्वान एवं अधिकारियों के संपर्क हुआ था। इसके बाद इंग्लैंड की यात्रा, वो कहाँ पर गए थे? इंग्लैंड, इंग्लैंड की यात्रा। अठारह तीस ईस्वी में राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? 1830 ईस्वी में राजा राममोहन राय इंग्लैंड गए। वहाँ उनका खूब स्वागत किया क्योंकि उनकी ख्याति तो पहले से ही फैल चुकी थी। उन्होंने इंग्लैंड की सरकार को भारत सुधारक कार्य करने की अपील की। 1832 ईस्वी में पास हुए संसदीय सुधार एक्ट का उन्होंने स्वागत किया। इसी वर्ष राजा राममोहन राय ने फ्रांस की यात्रा की। फ्रांस के सम्राट लुई फिलिप ने उनकी अच्छी तरह स्वागत किया था। यानी उसके बाद 1832 में फ्रांस गए थे और फ्रांस के सम्राट लुई फिलिप ने फ्रांस के सम्राट लुई फिलिप ने उनको अच्छी तरह स्वागत किया और उन्हें अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। राजा राममोहन राय विदेश यात्रा से पूर्व और पश्चिम के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया। प्रोफेसर मैक्स मुलर के शब्दों में, अपने आर्य भाइयों के सैद्धांतिक मेल जोल, अपने आर्य भाइयों के सैद्धांतिक मेल जोल करने और उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करने के लिए राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति थे जो पूर्व से पश्चिम की ओर आए। यानी कि वो पहले समाज सुधारक थे जो पूर्व से
पश्चिम की ओर आए। इसके बाद में स्थान स्थान पर घूमने फिरने के पश्चात राजा राम मोहन राय ब्रिटिश प्रदेश में पहुंचे। वहां उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और स्वास्थ्य खराब होने के बाद 27 सितंबर 1833 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश में उनका देहांत हो गया। बाद में ब्रिटिश से ही उनकी समाधि बनाई गई थी। यहाँ पर उनकी ब्रिटिश में उनकी समाधि बनाई गई थी। अब है राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार, यानी समाज के क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन से कार्य अपनाए थे। सामाजिक सुधारों में अपन देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने 1815 ईस्वी में एक सभा की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 ईस्वी में आत्म सभा की स्थापना की। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 ईस्वी में उन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया। यानी कि 1815 में आत्मसभा की स्थापना की, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1829 ईस्वी में उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था लॉर्ड विलियम के प्रयासों के द्वारा। यानी कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय एक उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। सामाजिक क्षेत्र में उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य और सराहनीय सती प्रथा के विरुद्ध सफलतापूर्ण आंदोलन चलाना था। उन्होंने प्रमाणित किया कि प्राचीन हिंदू धर्म शास्त्र में सती प्रथा का कोई स्थान नहीं है और साथ ही उन्होंने तर्क शक्ति एवं मान्यता के आधार पर इस अमान्य प्रथा को समाप्त करने का प्रचार किया। कहा जाता है कि बहुधा कलकत्ता के शमशानों में जो कर विधवाओं से संबंधित उनके आत्मदाह के कार्यक्रम को रोकने का प्रयत्न किया, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध दिए गए तर्कों तथा किए गए प्रयत्नों से प्रभावित होकर विलियम बेंटिक की सरकार ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया था। उन्होंने स्त्रियों के उद्धार और उन्हें समाज के सम्मानपूर्ण स्थान देने के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने इस प्रचलित विचार को अनुचित बताया कि स्त्री पुरुष से बुद्धि अथवा नैतिक दृष्टि से हीन है। उन्होंने पुरुषों से वैवाहिक तथा बालिक हत्या का विरोध किया। विधवाओं की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने स्त्रियों को प्रत्यक्ष संपत्ति का अधिकार देने के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रमाणित किया कि प्राचीन काल से स्त्रियों को समाज में अनेक अधिकार जिनमें प्रत्यक्ष संपत्ति का हिस्सा शामिल था प्राप्त थे और ये अधिकार उन्हें वापस मिलने चाहिए। राजा राम मोहन राय ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा का भी विरोध किया। उनकी दृष्टि से समाज उच्च नीच भेदभाव उचित नहीं है। जाति प्रथा
को एक बड़ी सामाजिक बुराई समझते हुए उन्हें असमानता पैदा करके समाज को विभाजित कर दिया। वे सभी धर्म जातियों के लोगों को एक समान समझते थे और उन्हें विश्वव्यापी हिंदुत्व का प्रचार किया। वे सभी धर्म और जाति के लोग समान समझते थे और उन विश्वव्यापी बंधुत्व का प्रचार किया। उन्होंने जमींदारों द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने चाहे वे स्वयं जमींदार के परिवार से संबंधित रखते हों, फिर भी उन्होंने जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण में विरोध किया गया था। लेकिन देखते हैं कि समाज के क्षेत्र में उन्होंने इस प्रकार का सुधार कार्य किए गए। अगर राजा राम मोहन राय का भ्रम समाज, उनके राजा राम मोहन राय के भ्रम समाज अगली वीडियो के अंतर्गत करवा दिया जाएगा।